हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम से हम कनाडा में इतना ज्यादा घूम रहे हैं, चारों तरफ से सोचा आज कुछ बैठ के बातें हो जाए। और क्योंकि बहुत मैंने ट्रैवल किया है तो कैनेडियन सिटीजनशिप होने का मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए और कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में क्या क्या बेनिफिट्स हुए, तो आज वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप कनाडा आना चाहते हो और आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है तो पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन हम वो सारी बातें आपको डिटेल में करेंगे ताकि आने से पहले आपको सब पता चल जाएगा कि कनाडा में आने पर, सिटीजनशिप मिलने पर, पीआर मिलने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। हम आज तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले कि पीआर की बात करेंगे, फिर पीआर और सिटीजनशिप में क्या डिफरेंस है, और तीसरी बात करेंगे कि अगर आप कैनेडियन सिटीजन हैं तो अगर किसी और कंट्री में रहते हैं या किसी और कंट्री में जाते हैं तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो ये डिटेल में आप बात करते हैं। यहाँ पर आने से पहले कई लोग, क्योंकि हम बहुत सालों से रह रहे हैं तो बातों में पूछते हैं हमारे कंट्री के अंदर जब हम जाते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं कि कनाडा आना ठीक है या नहीं है, सिटीजनशिप लेना है। देखिए, आप अपना कंट्री जो छोड़ के आते हो या अपना घर जब छोड़ के आते हो तो वो आराम तो नहीं होता है, आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुश्किलें इतनी मुश्किल हैं कि आप उनको नहीं सामना कर सकते हो, क्योंकि मैं भी बहुत साल रही हूँ जब हम आए थे पीआर पर, तो धीरे 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 आपको सिटीजनशिप मिलती है, फिर आपको उसके बेनिफिट्स होना शुरू हो जाते हैं और वो आपको फील होने लगता है कि ये सिटीजनशिप यहाँ की लेना एक सही आपका डिसीजन था। लेकिन ये आपके ऊपर है, अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लगता है, आप वापस जाना चाहते हो तो वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। तो सबसे पहली बात कि पीआर और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। पहले आपको, जब आप कनाडा आते हो और या आप किसी कंट्री से यहाँ अप्लाई कर रहे हो, तो पहले आपको पीआर मिलता है। वो पीआर की जो शुरू में वैलिडिटी होती है वो 5 ईयर्स की होती है, तो एटलीस्ट आपको 3 ईयर्स यहाँ पर रहना होता है तब आप एलिजिबल होते हो सिटीजनशिप के लिए या पासपोर्ट के लिए, उससे पहले नहीं होता। तो इसलिए पहले आपको पीआर लेना होगा, 3 साल आपको यहाँ रहना होगा, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। पीआर कनाडा में एक इस तरह का कार्ड है, जैसे आपने सुना होगा अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है, सेम उसमें इसमें सारी फैसिलिटीज होती है। सिर्फ ये है कि आपको जब पीआर मिलता है तो आपको वोट देने का राइट नहीं होता, तो इसलिए जो है पीआर के अंदर ऐसा नहीं कि आपको पीआर मिल गया, सिटीजनशिप मिलने के बाद क्या मुश्किल होगी या क्या, पीआर के साथ ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर आपके पास पीआर है तो सबसे पहले ये कि आप कनाडा में कहीं पर रह सकते हो, आपको ये राइट है कि किसी जगह पे किसी प्रोविंस के अंदर आप रह सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगर आप पीएनपी के थ्रू आ रहे हो किसी दूसरे प्रोविंस के अंदर, तो आपको जो उसके अंदर ड्यूरेशन है वो कंप्लीट करके आप कनाडा में कहीं पर भी रह सकते हो अगर आपके पास पीआर है। तो दूसरा जो बेनिफिट सबसे बड़ा है वो है एजुकेशन का। अगर आपके बच्चे साथ आ रहे हैं तो हाई स्कूल तक या ग्रेड 12 तक उनकी कोई फीस नहीं होती और सबको एक सा ही पढ़ाया जाता है, तो वो बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप एजुकेशन सोचकर अपने बच्चों के यहाँ आ रहे हैं। और तीसरा बेनिफिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हेल्थ का। जैसे आपने यहाँ पर सुना होगा कि कनाडा के अंदर हेल्थ फ्री है, क्योंकि हेल्थ फ्री है यहाँ पर, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, उतने डॉक्टर्स नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आने पर कोई मुश्किल होती है। हेल्थ आपका यहाँ पर फ्री है और सारे टेस्ट वगैरह वो फ्री है, सिर्फ यहाँ पर डेंटल जो है और आई का जो है वो फ्री नहीं है, चेकअप वो बच्चों के लिए फ्री है कुछ एज तक, लेकिन कुछ चीज़ें बच्चों के यहाँ पर फ्री है। और आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपकी फ्री है, आई चेकअप या डेंटल चेकअप भी। एक जो बेनिफिट यहाँ पर बहुत पॉपुलर है, काफी लोग पूछते हैं, वो है चाइल्ड बेनिफिट, जो कि 18 साल तक, जब तक बच्चा होता है तो मदर को वो चाइल्ड बेनिफिट आता है, और अगर फादर मदर साथ रहते हैं तो बच्चा जिसके साथ रहता है वो बेनिफिट उसको यहाँ मिलता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो बहुत काम आते हैं जब आप नए नए यहाँ पर आते हैं। अगर आप पीआर लेकर कनाडा आते हो तो आपको एटलीस्ट 3 साल यहाँ रहना होता है, उसके बाद आप अप्लाई कर देते हो यहाँ की सिटीजनशिप के लिए, तो आपको ये राइट है कि आप इतने, आपने ड्यूरेशन कम्प्लीट किया तो आपको ये राइट है कि आप यहाँ के सिटीजन बन सकते। अब हम सिर्फ बात करेंगे कि सिटीजनशिप मिलने के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट। यहाँ का पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग है यहाँ का कैनेडियन पासपोर्ट, आप 185 कंट्रीज के अंदर आ जा सकते हो। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया कि आप जब यूरोप जाते हो या मैं खासतौर से जब इंग्लैंड में लंदन गई थी तो मुझे इतना आराम मिला कि लगे ही नहीं कि मैं किसी दूसरी कंट्री में आई हुई हूँ। आप एयरपोर्ट पर जब जाते हो तो स्मार्ट गेट से सीधा अपना पासपोर्ट दिखा के उसको स्कैन करा के आप बाहर जा सकते हो, तो इसलिए ये नहीं होता कि आपको दूसरे कंट्रीज की तरह वहाँ पर लाइन में लगना हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और वहाँ पर आप काफ़ी टाइम तक रह सकते हो। तो और अगर जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं जो कैनेडियन सिटीजन्स होते हैं तो इसमें और आराम है कि आप यूरोप के अंदर यूरोप से दूसरे दूसरे कंट्रीज को भी आप विजिट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको दूसरे कंट्रीज के लिए दूसरा वीज़ा लेना पड़ेगा, इस कंट्री के लिए वो वीज़ा लेना पड़ेगा, तो कोई वीज़ा की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक बहुत अच्छी बात, खाली यूरोप नहीं बल्कि आप जब दुबई आते हो तो वहाँ पर आपके इस पासपोर्ट की काफ़ी वैल्यू है और ऑन अराइवल आपको विजिटर वीज़ा मिलता है। और एक और बात कि एक और कंट्री, क्योंकि मैं जल्दी जाने वाली हूँ तो मैंने वीजा मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ा है, वो मलेशिया। अगर आप मलेशिया में जा रहे हो और कैनेडियन पासपोर्ट आपके पास हो तो आपको 90 डेज का विजिटर वीजा मिल जाता है, तो वो भी आप सीधे जाकर उस कंट्री को विजिट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें अगर आप जाते हो और आप यहाँ के सिटीजन हो तो आपको इतनी फैसिलिटीज हो जाती है जो आपको वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी खास बात सिटीजनशिप की, राइट टू वोट, कि आप वोटिंग का आपको राइट हो जाता है ताकि आप जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको सेलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए तो आपका भी पार्ट होता है कि आप किसको चुनना चाहते हो। तीसरी बात, राइट टू वोट तो है ही, साथ साथ अगर आपके पास सिटीजनशिप है तो आप यहाँ पर किसी की पार्टी के थ्रू खड़े भी हो सकते हो यहाँ पर इलेक्शन के लिए। तो ये खास बात है कि आप अपने किसी भी पार्टी के लिए अगर आप आगे इलेक्शन में खड़े होना चाहते हैं तो वो भी खड़े हो सकते हैं अगर आपके पास सिटीजनशिप है। एक और खास बात ये है कि अगर आपके पास सिटीजनशिप होती है तो बहुत सारी आपकी सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको आपको इतना क्लियर नहीं करना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर कई जॉब्स ऐसी हैं जहां पर वो सिटीजनशिप मांगते हैं कि आपके पास अगर आप सिटीजन हैं। बहुत से लोगों को PR वाली भी जॉब मिलती है, लेकिन कुछ जगह के अंदर कुछ सिटीजन्स को प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पर कैनेडा में जॉब्स के लिए। ये सारी बातें हो गई कि अगर आप कनाडा में रहते हो और आपको यहाँ पर रहने पर, सिटीजन होने पर क्या क्या फ़ायदा होता है, या किसी और कंट्री घूमने जाते हो तो वहाँ पर आपका कैसे वेलकम होता है। अब एक और बात कि अगर आप अपने यहाँ नहीं रहना चाहते कनाडा में, कहीं और आपकी जॉब लगी हुई है, तो क्या हमारी सिटीजनशिप रहेगी? जी, आप हमेशा के लिए कैनेडियन सिटीजन रहेंगे, कि आप किसी भी और कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन आप कैनेडियन सिटीजन रहेंगे। और अगर आपके बच्चे किसी और कंट्री के अंदर भी पैदा होते हैं तो वो सिटीजन होंगे कैनेडियन, अगर पेरेंट सिटीजन है। एक और बात जो काफी लोग पूछते हैं कि कनाडा क्या ड्यूअल सिटीजनशिप देता है? जी, आप कनाडा जो है ड्यूअल सिटीजनशिप देता है अगर आप उस कंट्री में रहते हो जो आपका कंट्री जो है वो आपको सिटीजनशिप कंटिन्यू करना चाहता है, तो आप कनाडा की और अपने कंट्री की सिटीजनशिप रख सकते हो। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता है, वो आपको इंडियन पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ता है। तो कई बार तो सोचना पड़ता है जब आपको यहाँ की सिटीजनशिप लेनी होती है कि हमारा पासपोर्ट तो अब रहेगा नहीं, तो आपको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन आप OCI लेके हमेशा के लिए आ जा सकते हो, उसमें आपको वीजा नहीं लेना पड़ता। अगर आपने OCI नहीं लिया है तो आपको वीजा लेके भी आप इंडिया आ जा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज होगी सिटीजनशिप की जो मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको यहाँ रहना है या किस कंट्री में रहना है, ये तो डिसाइड तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं तो इसी की खाली बातें कर सकते हैं कनाडा की, और इसके बारे में ही आपको कुछ नॉलेज दे सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है या आप यहाँ आना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आपको बताने के लिए। तो हम फिर बातें करते रहेंगे कुछ कनाडा की, तो फिर मिलते हैं कुछ और बातें नई नई करते हुए कनाडा की, जो चेंजेस आए हैं या अभी वेदर भी चेंज होने वाला है, तो फिर बात करेंगे। बाय।